जी टीवी देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग गुड कमेंट्स। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक चीज़ अक्सर हमें सुनने के लिए मिलती है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, जो लोग अमीर हैं अमीरों के ही बच्चे कामयाब हो सकते हैं एंड जिनके पास ज़मीनें ज़्यादातें हैं वो लोग कामयाब हो सकते हैं, गरीब लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते एंड एक्सक्यूज़ ब्ला ब्ला ब्ला, इस टाइप के बहुत सारे एक्सक्यूज़ जो हैं रेडीमेड हमको मिलते हैं। तो ये बात कितने हद तक सही है, मैं आपको कितने एग्ज़ाम्पल्स दूँ कि ये बात गलत है। बहुत सारे गरीब बच्चे जिनके पेरेंट्स मजदूर होते हैं आजकल आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर वही लोग बनते हैं जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते हैं। अमीर बच्चे पैसे दे के सीट खरीद सकते हैं, रिकमेंडेशन से सीट मिल जाती है, पर गरीब लोगों को मेहनत से मिलती है, उनकी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, उनके अंदर काबिलियत होती है, किसी चीज़ को अचीव करने का एक जज्बा होता है जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाता है। आप कभी सोच सकते हैं कि कोई अपाहिज लड़की जिसे लड़कों ने ट्रेन से धक्का मार के पटड़ी पे गिरा दिया और उसकी दोनों लेग्स कट गई, उसकी स्पाइन बोन टूट गई और उसके बावजूद उसने एवरेस्ट पे चढ़ाई की। ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चे जो कि मिनिस्टर्स लेवल तक भी आए हैं, ऐसे बहुत सारे गरीब लोग जो बहुत ही कामयाब हुए हैं, तो जिन्होंने इस बात को ये प्रूव किया है कि सिर्फ अमीरों का ही हक कामयाबी नहीं है। हम कामयाब इसलिए नहीं होते क्योंकि 95% लोग एक ही जैसी सोच सोचते हैं। जैसे हमारे दादा बाबा जो हमारे रिश्तेदार थे, जो जैसे वो पैदा हुए, जो उन्होंने बोला उसी चीज़ के ऊपर हम चलते गए, वही सिद्धांतों पे हम चलते गए और हम ये सोचने लगे कि नहीं हम ये कुछ कर ही नहीं सकते। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि 95% लोग जब एक ही जैसा सोचते हैं तो उनका ग्रोथ कितनी होगी, 95% लोगों का कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा, उनका पड़ोसियों को पड़ोसियों से कंपटीशन, रिश्तेदारों का रिश्तेदारों से कंपटीशन, चाचा का चाचे से, कि रिश्तेदारी आपस में लड़ रहे हैं कि उसका ये हो गया तो मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका ये हो गया तो मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा भी होना चाहिए। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा गए बाकी के 5% लोग जो अलग सोचते थे, जिन्हें दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जिन्हें जात पात धर्म अमीरी गरीबी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था, उनकी सोच अलग थी। कई आपने एक एग्जांपल देखा है, ओबामा एक इलीगल इमिग्रेंट थे, एक रिफ्यूज़ी थे। आप देखिए कि व्हाइट हाउस में एक ब्लैक का प्रेसिडेंट बनना कितना नामुमकिन चीज़ थी, वो 10 साल रहे। क्या ये चीज़ कम है, ये एग्जांपल क्या छोटी एग्जांपल है? नवीन जैन इंडिया के एक राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते थे और उनके पापा बहुत ही गरीब थे, बिलियनर हैं वो अमेरिका के एंड 2020 पे वो एक ऐसा टारगेट कर रहे हैं जो दुनिया शॉक हो जाएगी। मून के ऊपर रेजिडेंसी के लिए वो सोच रहे हैं कि मून पे दुनिया बसाएंगे एंड लोग हॉलीडे मनाने के लिए मून पे जाएंगे, ये उनका ड्रीम है। दुबई भी किसी का ड्रीम था, जो वहाँ के शेख हैं उनका ड्रीम था। तो आप सचमुच जब दुबई होते हैं तो ये हर चीज़ से पता चलता है कि अगर सपना देखो तो ऐसा सपना देखो कि दुनिया देखती रह जाए। तो जो 5% लोग हैं वो बिल्कुल अलग सोचते हैं, 95% लोग आपस में कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते, उनकी वही सोच होती है और उसी सोच को लेके वो आगे चलते हैं, इसीलिए उनको कुछ सक्सेस नहीं होता। भेड़ बकरियों के जैसे, जानवरों के जैसे झुंड बना के अगर आप चलेंगे तो आपकी मंजिलें सीमित होंगी, लिमिटेड होंगी। जब आप अलग सोच रखेंगे, जब आप कुछ अलग करना चाहेंगे और आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेहनत होगी और आपका दिमाग और आपके ड्रीम की तरफ फॉलो करते जाएंगे आप, और आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। कोई ज़रूरत नहीं है ये सोचने की कि हमारे पास कैनेडियन पासपोर्ट नहीं है, हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, हमारे पास ग्रीन कार्ड नहीं है, हमारे पास कंगारू पासपोर्ट नहीं है, या फिर हमारे पास कीवी पासपोर्ट नहीं है, यूरोपियन कार्ड नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप
95% लोगों से अलग सोचते हैं, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, तो उसमें कोई धर्म, कोई जात, कोई पात, कोई अमीरी, कोई गरीबी आपके सपनों को नहीं रोक सकती, ना ही कोई कार्ड आपके सपनों को रोक सकता है। आप मेरी इस बात पे विश्वास कीजिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे कामयाब लोगों के किस्से जिन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करके बहुत ही बुलंदियाँ हासिल की हैं, और वो भी सिर्फ मेहनत के बल पर और अपने दिमाग के बल पर। ऐसा नहीं कि अनपढ़ आदमी कुछ कर नहीं सकते, अनपढ़ आदमी भी कर सकते हैं। बिजनेसमैन जो थे हमारे धीरूभाई अंबानी, जो अंबानी ग्रुप्स के हेड थे, कितने पढ़े लिखे थे वो। उनके पास एक जज्बा था, 500 रुपए से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था। एंड सचमुच जब हम अंबानीज की जो स्पीचेस एंड उनके जो शोज देखते हैं, तो उससे सचमुच पता चलता है कि ये लोग लायक थे इसके। तो ऐसे ही हर इंसान यूनिक होता है। आप झुंड के पीछे मत चलिए कि हम अगर पैसा कमाएंगे तो हम कनाडा जा कर ही कमाएंगे, अगर हमें जाना है, कामयाब होना है, तो अमेरिका पहुंच के ही कामयाब होंगे। एंड जो होड़ लगी हुई है, जो बंदे बाहर जाते हैं पासपोर्ट लेने की होड़, कि ज़िंदगी के 7-8 साल हम स्ट्रगल करेंगे एंड उसके बाद जाएंगे कहाँ तक, पासपोर्ट तक। पासपोर्ट मिलने के बाद जो मशीन बनती है, मैंने देखा है लोगों की, जैसे ही पासपोर्ट मिलता है घर उठा लेते हैं हम 5% डाउन पेमेंट पे, 95% लोन ले लेते हैं अगले 20 सालों के लिए। उसके बाद जब थोड़े पैसे और जमा होते हैं, हम और एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं 5% की डाउन पेमेंट करके, 95% लोन लेके। उसके बाद हम बहुत, क्योंकि इंडिया में गाड़ी लेना थोड़ा मुश्किल है, पर बाहर जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो बहुत ही आसान है, वहाँ पर कोई ब्रांड नहीं देखा जाता। £500 या $1,500 देकर आप अच्छी ब्रांडेड गाड़ी लोन पे ले सकते हैं। चलो वो भी ले ली, अभी दुनिया को दिखाने के लिए, बीवी के लिए भी ले ली, और बच्चों को हम गवर्नमेंट स्कूल्स के अलावा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे। तो ये सारे जो काम, पैसे के काम हम छेड़ते हैं, ये जो गैजेट लाइफ हम जीते हैं, ये कहाँ से पूरा होगा? मशीन किसको बनना पड़ेगा? पति के साथ पत्नी को मशीन बनना पड़ेगा, क्योंकि लोन होंगे, इंश्योरेंस होंगे, मेडिक्लेम होगा, उसके बाद बच्चों के प्राइवेट फीसेज होंगे, गाड़ियां हैं तो गाड़ियों के इंश्योरेंस होंगे, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो इंश्योरेंस डबल हो जाते हैं। उसके अलावा जो टैक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, तो वो भी पे करने होते हैं, क्योंकि हमारी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट जो है टैक्सेस में कट जाता है। तो टैक्सेस ना कटें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं कैश इन हैंड के लिए कि पैसे बन जाएं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप देखिए कि बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि यूएई में जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो उनका ड्रीम है यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना। उन्हें खुला माहौल चाहिए, यूरोपियन स्टाइल लाइफस्टाइल चाहिए जीने के लिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप यूएई में जब दुबई में होते हो तो आप वेस्टर्न लाइफस्टाइल जी सकते हो, वहाँ पे बकायदा आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप उनसे पूछिए जो वहाँ पे ट्रक ड्राइवर हैं, कितना काम करते हैं वो लोग। चाहे जो तो सच्चे लोग होंगे वो बताएंगे कि हम कितने कितने दिन घर नहीं आते, एंड गाड़ियाँ हमने ले ली हैं लोन पे, उसके लोन भरना है, एंड उसके बाद जो गाड़ियों के मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, सब कुछ है। तो वो क्या है, एक रेल है, एक शिफ्टों की एक ऐसी अनलिमिटेड आवर्स का काम है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एक गाड़ी लेते हैं वो लोग, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर उसके बाद एक लेन लग जाती है, एक कंपटीशन शुरू हो जाता है कि हम उतनी गाड़ियां लेंगे, फलाने की उतनी है तो हम उतनी लेंगे। तो वो पर्सनल लाइफ क्या जीते हैं? उनकी बीवियों से पूछो कि उनकी लाइफ क्या है, वो बच्चों को कितना टाइम देते हैं। फिर वो ब्लेम नहीं कर सकते कि बच्चों को आदत डाल देते हैं पैसों से ज़िंदगी जीने की, गैजेट्स के साथ टाइम स्पेंड करने की। अनलिमिटेड पैसा मिल रहा है तो गलत आदतें, नशे, ड्रग्स, हर चीज़ के आदि हो जाते हैं वो लोग। एक फेक लाइफ, एक सच्चाई से दूर भागने वाली लाइफ जीने लगते हैं। ये एक सच्चाई है वेस्टर्न लाइफ की। बहुत सारे लोग जो हैं गुरबानी के पीछे या भजन के पीछे लग जाते हैं, पर सच्चे अंदर से रियल जो हैं, प्योर जो हैं, कितने होते हैं? कितने ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में कभी गलत काम नहीं करते? जो लोग रिलीजियस होते हैं, क्या वो लोग गलत काम नहीं करते? तो आजकल तो मैंने ये भी विटनेस किया है कि लोग भगवान का नाम इसलिए लेते हैं कि हमारी जो गलतियाँ हैं हम करते हैं वो बख्श दे भगवान, वो एक ज़रिया है, इसीलिए भगवान का नाम लोग लेते हैं कि हम जो गलत काम करते हैं वो बख्शते जाएं, उसके एक्सक्यूज़ हमें मिलते जाएं, एंड परमात्मा हमें
माफ़ करता जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है माफ़ी मांग सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रे कर सकें। यही एक होड़ है घरों की, प्रॉपर्टी की, गाड़ियों की, बैंक बैलेंस की। जब उस कंट्री में आप सिर्फ लोन से ही ले सकते हैं सामान, अगर आपके बिजनेस है या सैलरी है तो प्रूव होता है कि इतने पैसों से आप इतना कर सकते हो। जब वो एक्सेस होता है तो दूसरी कंट्रियों में हम इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, हम अलग लाइफस्टाइल जीने लगते हैं। तो यही एक चीज़ है, मैं ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि कंपटीशन की लाइन में मत जाइए, कि जो दुनिया कर रही है वही हम करें ये ज़रूरी नहीं। कामयाब सिर्फ 5% लोग हैं, 5% लोगों की कैटेगरी में आने के लिए आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। ज़िंदगी में ये बात मत सोचिए कि पासपोर्ट चेंज करना या किसी दूसरी कंट्री में जाकर ही आप कामयाब हो सकते हैं, बात बिल्कुल गलत है। आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते जहाँ पे करेंसी वैल्यू ज़्यादा है, आप अपनी ही कंट्री में मेहनत करके कामयाब हो जाइए किसी भी तरीके से। पर अपने आप को हद से ज़्यादा गिराइए मत, आप वेट कर करके बहुत सारे साल मत वेस्ट कीजिए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम रिज़ाइन करके बाहर जाना चाहते हैं। क्या बाहर आसान है? क्या वहाँ का लाइफस्टाइल इजी लगता है आपको? जो लोग बाहर हैं उनको देखिए, वो झूठा लाइफस्टाइल है। वो लोग मुझे नहीं पता कि कब सांस लेते हैं और कब सोते हैं और कब उठते हैं एंड कब प्रे करते हैं एंड कब काम पे जाते हैं, कब खाना खाते हैं, उनका कोई टाइम नहीं होता। ड्राइविंग करते करते वो इतने काम में इतने मनसूफ होते हैं, बिजी होते हैं कि एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ी चलाते चलाते नींद आती है उनको। एक आदमी की वजह से साथ साथ 10-10, 15-15 गाड़ियाँ ठुकती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके। बहुत बड़ी मिस्टेक्स होने के बाद उनको पेनल्टी भी लगती है, बहुत कुछ होता है, लाइसेंस भी वो ख़राब हो जाते हैं उनके। पर जो जा सकते हैं वो जाइए, जो नहीं जा सकते वो कोशिश करके कामयाब होने की कोशिश कीजिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। एंड मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कि जो सोचते हैं कि कामयाब के शॉर्टकट, जो कि हम कैसे कामयाब हों, कि कामयाबी क्या बिकती है। कुछ लोगों से मैंने मुंह से सुना है कि कामयाब होना बहुत आसान है, अगर आपके पास पैसा है तो आप कामयाब हो सकते हैं। मैंने देखा है, अगर आप लाखों रुपए अपने बच्चों पे लगा दो, जब तक उनके दिल में ये नहीं आएगा कि उनको कुछ करना है ज़िंदगी में, वो कामयाब नहीं होंगे। ये अपने अंदर से आना चाहिए कि हमको कुछ करना है लाइफ में। दूसरों के कहने से आप कुछ नहीं कर सकते, ये बात आपको दिल में समझनी पड़ेगी। और जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है, ये मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव ए गुड डे।